फाइनली दोस्तों मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया था काफ़ी दिन पहले और अब जो है पेमेंट आ गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना पड़ा और कैसे जो है वो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और कितने डॉलर मुझे पेमेंट जो फर्स्ट पेमेंट मिला है वो कितने डॉलर मिला है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम कमाल फारूक है, टेक्निकल फारूक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया है और यूट्यूब पे काम करना कैसा रहता है। दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले जो चैनल बनाया था वो लगभग 2010 में बनाया था और ये चैनल जो है मेरा बर्बाद हो गया क्योंकि मैं इसे काफ़ी छेड़छाड़ किया और काफ़ी छेड़छाड़ करने के बाद से मेरा जो पहले वाला चैनल था वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद से टेक्निकल योगी सर से हमारी बात हुई। टेक्निकल योगी सर से जब हमारी बात हुई तो एक साल पहले मैं एक चैनल बनाया टेक्निकल फारूक के नाम से और इस चैनल पे 4-5 मिनट डिटेन करने के बाद से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। और वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे सर पे जुनून था, बहुत ज़्यादा जुनून था, बहुत ज़्यादा जुनून था। मैं हर रोज़ एक दो वीडियो जो है वो अपडेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों मेरे घर वाले काफ़ी बायकॉट किए, मेरे पापा काफ़ी गुस्सा हुआ कि ये पागल हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी परेशानी के बाद से मैं यहाँ पे वीडियो अपडेट करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, किसी के बात को बिना ध्यान दिए हुए अपना जो काम था वो कंप्लीट हम करते रहे। दोस्तों जब मैं ये चैनल शुरू किया और वीडियो रेगुलर जब डालना शुरू किया तो मेरे पापा जो हैं वो गुस्सा हो गए, बहुत बार मुझे उल्टा सीधा बोले, पापा हैं बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि क्या तुम करते हो, तुम्हारा काम नहीं है, कोई काम नहीं है, तुम कोई काम के लायक नहीं बन पाओगे, तुम कोई काम नहीं कर सकते, ये सब क्या चीज़ है, किस चक्कर में पड़े हो। मैं उनके बात को सुन करके और अपने अंदर सुकून डालता था कि चलिए आज आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, कल अगर आपका प्यार और आपकी मोहब्बत रहेगी तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन करके आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों बहुत सारी परेशानी झेलने के बाद से आज जो है हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए इसी हफ्ते में और मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो गए थे लगभग आज से 2-3 महीने पहले और पेमेंट जो है वो कल आ गया मेरे अकाउंट में। तो दोस्तों मैं परेशान नहीं हुआ, YouTube पे लगातार वीडियो अपडेट करता रहा, एवरी डे 2-3 वीडियो अपडेट करता रहा। मैं ये सोचता था कि आज मेरा वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा, काश आज जो है मेरा वीडियो वायरल हो जाए। इसी तरीके से मैं बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें Instagram एक वीडियो था वो मेरा वायरल हुआ, Amazon से रिलेटेड एक वीडियो था वो भी वायरल हुआ, टाटा स्काई से रिलेटेड एक वीडियो था वो भी वायरल हुआ। बहुत सारे वीडियो जो है वो यहाँ पे वायरल हो गए और वायरल के बाद से हमारे वॉच टाइम जो है वो भी कंप्लीट हो गए, 1,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और साथ साथ टेक्निकल योगी सर का सपोर्ट मिला और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मेरा चैनल जो है फुल्ली ग्रो कर गया। तो दोस्तों मुझे कितना समय लगा, लगभग 1 साल समय लगा और 1 साल मैं परेशान नहीं हुआ, एवरी डे वीडियो डालता था सिर्फ ये सोच करके कि आज मेरा वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा। दोस्तों साथ साथ मैं यही बता दूं कि YouTube पे वर्क करने का मतलब है कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारी यूट्यूबर्स जो हैं वो 10 वीडियो डालते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा, मेरे वॉच टाइम नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। दोस्तों YouTube पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये आपके दिल दिमाग से निकल जाना चाहिए कि आप YouTube पे काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि एवरीडे एक वीडियो डालना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सारा चीज़ परफेक्ट वे में आपको डालना है। YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि कोई ना कोई एक वीडियो जो है वो आपका वायरल हो जाएगा और वायरल हो जाएगा, वॉच टाइम भी मिल जाएगा, सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेरे कितने डॉलर मिले। दोस्तों यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद से जो मेरा पहला पेमेंट आया है वो $116 है और साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये जो डॉलर है ना ये आपको एडसेंस में कब इंक्लूड होता है, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एडसेंस में आपका पेमेंट आ जाता है और 21 तारीख से 25 तारीख के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत बहुत सिंपल सा फंड है दोस्तों, आपको अगर मेहनत करना है तो ये भूल जाइए कि आपको पेमेंट पे काम करना है, सब्सक्राइबर पे काम करना है, व्यूज पे काम करना है, नहीं दोस्तों आपको सिर्फ अपना रूटीन के हिसाब से वीडियो अपडेट करते चलना है। दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट आता है वो पेमेंट आपको एवरीडे जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर है वो एवरीडे ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। और दोस्तों जब आपका जो पेमेंट आता है उस डेट में
आपका जो डॉलर है यानी कि अमेरिकी डॉलर जो है वो कितना है, उस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट होता है। तो दोस्तों जिस दिन $116 मेरे कंप्लीट हुए थे उसके बाद से बैंक में जिस दिन ट्रांसफ़र होने वाला था उस दिन 70 रुपये 69 रुपये 80 पैसे के आसपास जो है वो डॉलर का रेट था, यानी 70 रुपये मान के चलिए। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि $116 का कितना होगा, और सारा पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में कल के डेट में आ गया। तो दोस्तों आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी और मोटिवेट किए या नहीं किए आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए व्हाट्सअप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं काफी पसंद है वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करके कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।